हर महादेव, जय श्री भैरवनाथ। तो आज की इस वीडियो में आपको पेपर से मुकुट बनाना सिखाऊंगा, किस प्रकार आप पेपर से भी मुकुट तैयार कर सकते हैं और मैं ये मुकुट बनाने के लिए किन प्रकार के पेपर का यूज कर रहा हूँ वो भी आपको वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मुकुट बनाने के लिए हम आज इस प्रकार के पेपर का यूज करेंगे। अब हम एक कार्डबोर्ड ले लेंगे और कार्डबोर्ड के साइज के अकॉर्डिंग ही पेपर को कट कर लेंगे। अब हम मार्कर की सहायता से इस पेपर पर डिजाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो आप देखें कि मैं किस प्रकार इस पेपर पर मार्किंग कर रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार आप भी मार्किंग कर लें। मार्किंग करने के लिए मैं पहले दो तिरछी लाइनें खींच रहा हूँ और ऊपर की साइड को मैं एक गुंबद का आकार दे रहा हूँ, जिसकी एक साइड ही ऊपर की ओर उठी हुई होगी। तो ठीक, आप मेरी तरह एक डिजाइन बना लें। डिजाइन बनाने के बाद इसको हम अब कैंची से कट कर लेंगे। तो जल्दी जल्दी हम इसको कैंची से कट कर लेते हैं। कट करने के बाद कुछ इस प्रकार की डिजाइन हमारे सामने आ जाएगी। अब इस डिजाइन को हम फेविकोल लगाकर कार्डबोर्ड पर चिपका देंगे। कार्डबोर्ड पर चिपकाने के बाद थोड़ा हाथों से प्रेस कर देंगे। अब हाथों से प्रेस करने के बाद इस कार्डबोर्ड को भी हम पेपर के साइज के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। तो जल्दी जल्दी इसको हम कैंची से कट कर लेते हैं। अब कट करने के बाद इस डिजाइन के चारों तरफ अब हम लेस लगाएंगे। लेस हम भी गोल्डन कलर की ही लेस लगाएंगे। लेस लगाने के लिए हम ग्लू गन का यूज करेंगे। तो हम पहले इसके चारों तरफ ग्लू लगा लेते हैं। ग्लू लगाने के बाद तुरंत बाद ही इस लेस को चिपका देंगे। ग्लू का यूज जब भी करें तब उसके तुरंत बाद ही किसी चीज़ को चिपका दें, वरना ये सूख जाती है। एक्स्ट्रा लेस को कट करने के बाद अब हम नीचे की साइड में भी एक लेस लगा लेंगे। ठीक उसी प्रकार हम पहले ग्लू लगा लेंगे और जल्दी जल्दी एक लेस लगा लेंगे। तो नीचे की साइड की लेस को हम दो टुकड़ों में लगाएंगे ताकि नीचे की डिजाइन बनी रहे। अब इस मुकुट के सेंटर में भी डिजाइन बनाने के लिए पहले दो स्क्वायर साइज के पेपर कट कर लेंगे, फिर एक पेपर पर हम दिल के आकार की एक मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद इसको हम कैंची से कट कर देंगे। जैसे हमने स्काई कलर के पेपर को कट किया है, ठीक उसी प्रकार रेड कलर के पेपर को भी मार्किंग करके कट कर लेंगे। अब दोनों पेपर को कट करने के बाद इसको फेविकोल से इस पर चिपका देंगे। चिपकाने के लिए पहले फेविकोल लगा लेंगे, हाथों से चारों तरफ फैलाने के बाद इसको सेंटर की ओर चिपका देंगे। जैसे ये पेपर चिपकाया, ठीक उसी प्रकार रेड कलर के पेपर को भी चिपका देंगे। चिपकाने के बाद अब साइड में भी एक डिजाइन बना लेंगे। फिर से स्काई कलर के एक पेपर को कट करेंगे और उस पर एक डिजाइन बना लेंगे। जैसी डिजाइन मैंने बनी है, ठीक उसी प्रकार आप भी डिजाइन बनाकर इसको कैंची से कट कर दें। कट करने के बाद इसको भी अब हम फेविकोल से चिपका देंगे। चिपकाने के बाद अब हम कुछ स्टोन का यूज करेंगे इसके अंदर लगाने के लिए। ग्लू गन से थोड़ा थोड़ा लगाकर स्टोन को भी अब हम चिपका देंगे। चिपकाने के बाद अब इस दिल के चारों तरफ भी अब हम लेस लगा लेंगे। लेस लगाने के लिए हम पहले ग्लू को लगाएंगे, फिर जल्दी जल्दी लेस को चिपका देंगे। अब हम मुकुट के बैकग्राउंड के डिजाइन तैयार कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम अब लंबे आकार के एक पेपर को कट कर लेंगे और उसके ऊपर की साइड में ब्लू कलर की लेस लगा देंगे। लेस लगाने के लिए पहले अब हम ग्लू को लगा लेंगे। तो जल्दी जल्दी ग्लू को लगा लेते हैं। ग्लू लगाने के तुरंत बाद ही हम अब लेस को चिपका देंगे। लेस चिपकाने के लिए एक्स्ट्रा लेस को कट कर देंगे। अब इसको हम फोल्ड करेंगे। आप देखें कि मैं किस प्रकार फोल्ड कर रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार आप भी फोल्ड करें। फोल्ड करने के पहले उल्टा करके इसको एक तरफ मोड़ना है, फिर सीधा करके एक तरफ मोड़ना है। एक बार सीधा करके मोड़ना है, एक बार उल्टा करके मोड़ना है। जल्दी जल्दी इसको अब हम फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद कुछ इस प्रकार की डिजाइन हमारे सामने तैयार हो जाएगी। अब हम इसको नीचे जिस तरफ इकट्ठा किया है उस तरफ धागे से बांध लेंगे। बांधने के ठीक बाद इसके नीचे की दोनों साइडों को ग्लू लगाकर चिपका देंगे। तो पहले अब हम ज़्यादा क्वांटिटी में इस पर ग्लू लगा लेते हैं। ग्लू लगाने के बाद इसके दोनों साइडों के नीचे की साइड है उसको हाथों से प्रेस करते हुए चिपका देंगे। अब हम एक रेड कलर के डिजाइन भी तैयार कर लेते हैं। तो जैसा मैंने ब्लू कलर की डिजाइन तैयार की थी, उसी प्रकार रेड कलर की डिजाइन तैयार कर लिया है। और अब हम इन दोनों डिजाइनों को
मुकुट पर चिपका देंगे। चिपकाने के लिए पहले हम रेड कलर के सेंटर में ज़्यादा क्वांटिटी में ग्लू लगाएंगे और ग्लू लगाने के तुरंत बाद इस मुकुट पर चिपका देंगे। चिपकाने के बाद इसके दोनों साइडों पर भी हम ग्लू लगाकर मुकुट पर चिपका देंगे। अब हम ब्लू कलर के डिजाइन को लेंगे और इसके सेंटर में ग्लू लगाएंगे। ज़्यादा क्वांटिटी में ग्लू लगाने के बाद इसको भी अब हम इसकी टॉप की साइड पर चिपका देंगे। चिपकाने के बाद इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद इसके दोनों किनारों को भी ग्लू लगाकर चिपका देंगे। देखिए, हमारे सामने मुकुट बनकर तैयार हो चुका है। तो आपने देखा कि किस प्रकार इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही कम समय में इस प्रकार का मुकुट बनाकर बता दिया है। मार्केट में इस मुकुट की प्राइस कम से कम 350 से 400 रुपये होगी, लेकिन मैंने सिर्फ पेपर से आपको इस प्रकार का मुकुट बनाकर बता दिया है। मैं आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये मुकुट कैसा लगा है। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं इसी प्रकार और अधिक वीडियो लेके आऊँगा। तो धन्यवाद। जय श्री भैरवनाथ। हर हर महादेव।